अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, अहमदनगर डिवीज़न खादर मस्जिद के रूबरू बाद नमाज के सामाजिक कारकुन फिरोज खान और उनके साथ टीआरएस के अहमदनगर के प्रेसिडेंट जकीउल्लाह खान भी मौजूद थे। फिरोज खान सामाजिक कारकुन हैं जो मास्क तकसीम किए फ्री में। वाज़ह रहे कि इनके कारनामे बहुत सारे हैं जो अवाम के दरमियान रहकर काम को अंजाम देते हैं। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सारे तफसीलात बताई। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। मैं फिरोज खान, मुझे सोशल वर्क करना थोड़ा अच्छा लगता है और मेरे को किसी की भी हेल्प करना है, किसी की मदद करने के लिए हमेशा मैं आगे जाता हूँ। तो उसी सिलसिले में जो है बस्ती के अंदर भी मैं आज में फ्राइडे के दिन जुम्मे की नमाज के टाइम पे जो है मास्क के वास्ते मेरे को बोले थे, तो मैं मास्क यहाँ पे बांटा हूँ। इंशाल्लाह ताला आने वाले जुम्मे में फिर आगे की मस्जिद में फिर करूँगा ये काम। जितना मेरे से हो सकता है मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करता रहूँगा। मैं अस्सलाम वालेकुम, आज मास्क डिस्ट्रीब्यूशन फिरोज खान की सदारत में यहाँ पर मैं मोहम्मद जकीउल्लाह खान टीआरएस लीडर कादरिया मस्जिद गने अहमदनगर डिवीज़न में मास्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो फिरोज खान सोशल वर्कर की तरफ से 1000 मास्क ला के दिए थे वो डिस्ट्रीब्यूशन करे यहाँ पर, जिसमें अनीस भाई थे, मज़र खान थे, मज़र भाई थे और हमारे फिरोज और फैसल जाबरी भी थे, समझे ना, जो मास्क डिस्ट्रीब्यूशन करे यहाँ पर। माशाल्लाह बहुत पब्लिक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स थी और हम ये सोशल वर्क जो है सो जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। फिरोज खान की तरफ से ये मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम हर मस्जिद के हर फ्राइडे के टाइम पे जारी रहेगा ये। अब नेक्स्ट जो है सो सैयदनगर 2 में आगे प्रोग्राम, ये सैयदनगर 2 में भी नेक्स्ट टाइम मोहम्मदिया मस्जिद के ये प्रोग्राम होंगे, अब वहाँ पर भी जो है 1000 मास्क डिस्ट्रीब्यूशन फिरोज खान की तरफ से होंगे, क्योंकि फिरोज खान बस्ती में नहीं बांट के वहाँ पर आसिफ नगर पीएस के पुलिस वालों के साथ बांट रहे थे। मैं बोला यहाँ पर जो है सो अपने बस्ती में जहाँ पर चिराग जले अंधेरा न को, यहाँ महल्ले में करेंगे अपन प्रोग्राम बोल के महल्ले में लेके आके डिस्ट्रीब्यूशन करने लगा है हम, और माशाल्लाह बहुत जोर शोर से प्रोग्राम ये जारी और सारी रहेगा इंशाल्लाह ताला।